बहुत बार ना हम पिज़्ज़ा बनाने से इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास चीज़ नहीं होती। तो आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे ऐसा जो कि बगैर चीज़ के बनेगा, और अवन के तो बगैर वैसे ही अब सबको पता है कि पिज़्ज़ा बन जाया करता है। तो मैंने जो है वो एक अंडा, आधा किलो मैदा, उसमें 2 स्पून जो है वो मिल्क पाउडर के, 1/2 स्पून सॉल्ट और यीस्ट डाल दी उसमें कुछ 2-3 स्पून, और उसके अलावा 2 स्पून शुगर ऐड कर दिया, और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से गूंद कर कुछ टाइम के लिए रख दिया ताकि अच्छे तरीके से राइज हो सके। उसके बाद जो है उसको मैंने पतीले के अंदर ही जो है ऑयल लगा कर उसको जो है फैला लिया। और अब बारी आ जाती है हमारी टॉपिंग्स की। टॉपिंग्स में अनियन और टमाटो और कैप्सिकम, जिस 3 चीज़ें थी, और मतलब आपके पास घर में जो कुछ मौजूद है आप इसीलिए उसे पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसके बाद अच्छे तरीके से इनको पकाया, और इसके अंदर जो है नमक, मिर्च, आप जितना जो जो स्पाइसेस ऐड करना चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मतलब इतनी तो चॉइस मिलनी चाहिए ना, फ्रीडम होना चाहिए इंसान के पास। और उसके बाद इसके अंदर जो है वो चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर ऐड कर देना है, और इसको पकाना है। अच्छा, पकाना इतना है कि कम अज़ कम वेजिटेबल्स का क्रंच बाकी रहे, मतलब हल्का फुल्का सा पकाना है ताकि जस्ट इसके अंदर स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। और उसके बाद इसको उतार कर पिज्जे के ऊपर सर्व कर लेना। तो सबसे पहले जो है फॉर्क की मदद से जो है उसके अंदर जो है वो होल्स कर लिए, और अब आ जाती है गार्लिक टमाटो सॉस की, जो कि इसको ऊपर अच्छे तरीके से फैला लिया। अच्छा, जो मेन चीज़ थी जो हमारे चीज़ के फ्लेवर को बढ़ाएगी विदाउट चीज़ जो है इसलिए, वो थी इसके अंदर मेयो। मेयोनीज़ आप जिस भी उसकी जो है वो ब्रांड की यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं, वो इसके ऊपर लाजमी लगाएं और भर भर कर लगाएं ताकि चीज़ की कमी बिल्कुल महसूस ही ना। तो ये देखें, मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। इंजॉय करें।